तेलंगाना बनने के बाद ऑनरेबल सीएम साहब ने 102 न्यू पुलिस स्टेशन का इजाफा किया अध्यक्षा। साबिका में 739 थे, अब 841 पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं। उसी तरह 29 न्यू सर्कल्स 132 से बढ़ाकर 161 किया गया अध्यक्षा। पुलिस डिपार्टमेंट में और 24 डीएसपी ऑफिसेस 86 से बढ़ाकर 110 किया गया अध्यक्षा। 7 कमिश्नर बढ़ाया गया, जब 2 कमिश्नर थे आज 9 कमिश्नर काम कर रहे हैं। खासतौर से हमारे कार्तिक किरण साहब, हमारे राजेंद्र साहब और हमारे बलाला साहब, वीरिया साहब ने कहा साहब अध्यक्षा, ये यकीनन न्यू पुलिस स्टेशन जो है कोत्ता मंडल के अंदर नहीं अध्यक्षा, हम लोग जो है नए पुलिस स्टेशन जितने बना रहे हैं अध्यक्षा, जहां तक हो सके मैक्सिमम बनाए जा रहे हैं। और जहां पुलिस स्टेशन की जरूरत है, आनेबुल सीएम साहब ने एक कमेटी फॉर्म दी अध्यक्षा, जहां जहां पर पुलिस स्टेशन की जरूरत है अगर वो एप्लीकेशन देंगे तो जरूर उस पर गौर किया जाएगा। उसी तरह फायर स्टेशन के बारे में कार्तिक किरण साहब ने कहा कि मंडल वाइज होना चाहिए अध्यक्षा, पहले कॉन्स्टेंसी वाइज भी फायर स्टेशन नहीं थे। हमारे आनेबुल सीएम साहब ने जितने कॉन्स्टेंसी है तमाम कॉन्स्टेंसी में फायर स्टेशन का इजाफा किया, तो फायर स्टेशन बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। उसमें कई इस्लाहत लाई गई, नए पुलिस स्टेशन के अलावा फायर स्टेशन को भी जरूर बनाया जाएगा जहां भी जरूरत होगी। उसके बाद अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पर अगर फायर स्टेशन की अहमियत है तो जरूर किया जाएगा। राजेंद्र साहब जिस तरह कहे मॉडर्नाइज करने के लिए, और न्यू पुलिस स्टेशन जो है जो बनाने की बात की, वो जरूर सीसी बनाए जाएंगे। अगर जरूरत जहां पड़ेगी कमेटी में गौर करते हुए सीसीटीवी कैमरे अध्यक्षा, इंडिया में अगर सीसीटीवी कैमरे है तो सिर्फ हमारी स्टेट में, पूरी कंट्री का 68% कैमरे हमारे पास है, जिसकी तादाद जो है 9,00,000 कैमरे हमारे पास काम कर रहे हैं अध्यक्षा। जरूर जहां पर भी मजीद जरूरत पड़ेगी वहां जरूर कैमरे लगाएंगे। हमारे अहमद बलाला साहब जो इसने कहा कि सईदाबाद की बात की, सईदाबाद पुलिस स्टेशन बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। आप जो बात कर रहे हैं वहाँ इंटीरियर कॉलोनी के अंदर सईदाबाद पुलिस स्टेशन होने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, उसको हम बहुत जल्द, नया पुलिस स्टेशन तकरीबन कंप्लीट हुआ, आप बता रहे हैं कि कुछ बैलेंस है। आप जानते हैं इस साल हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छा हमें बजट दिया है, वो जरूर जहाँ भी बैलेंस है उसे कंप्लीट किया जाएगा। और नए पुलिस स्टेशन जहां बना रहे, साथ से ऑलरेडी पोल्यूशन बन चुका है, जरूर उससे चालू किया जाएगा। और एसीपी ऑफिस, एसीपी से आप बताया आप कि जेल डिपार्टमेंट की कहीं जगह है, वहां हम बात करेंगे, जेल डिपार्टमेंट के डीजी साहब भी यही है, बात करते हुए जरूर उसके लिए जगह अलाट करके एसीपी ऑफिस बनाया जाएगा। और अध्यक्षा हमारे और एक हमारे दोस्त ने कहा था, वीरिया साहब भी कहते, तो यकीनन सीएम साहब तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया अध्यक्षा, और खास तौर से बजट में भी बहुत बड़ा इजाफा किया अध्यक्षा। इस साल का जो हमारा बजट है लास्ट ईयर से बहुत बड़ा बजट है अध्यक्षा। इस साल 2021 के अंदर हमारा जो बजट था 21-22 के अंदर 6,465 करोड़ 43 लाख 47,000 था, मगर इस मरतबा जो बजट दिया गया 22-23 के लिए 9,315 करोड़ 46 लाख 28,000, ये बड़ा अच्छा बजट है। जरूर हमारे वीरा साहब से कहता हूँ, जहां पर भी पुलिस स्टेशन हो और स्टाफ की जरूरत हो, और नए स्टाफ के बारे में सीएम साहब ने इस मरतबा 18,000 तक हमारे न्यू स्टाफ के लिए अपॉइंटमेंट के लिए दिया अध्यक्षा, वो जरूर उसमें भर्ती करते हुए जहां जहां पुलिस ऑफिसरों की जरूरत है वहां जरूर उसके तकमील करते हुए वहां मुयन किया जाएगा अध्यक्ष। थैंक यू अध्यक्ष। क्वेश्चन अवर लो अवकाश दाने वारी की दयचे।